नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गाजीपुर जिले में स्थित सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन के नज़ारे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी रेलवे स्टेशन के पास 96 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक रेल इंजन रिपेयरिंग कारखाना और मेमू सेट का कार्य हो रहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं पहुंच चुका हूं आपका सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं प्लेटफार्म के पास भी। और दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये है आपका टिकट काउंटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर बैठने का बेंच भी रखा गया है। और इधर फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक बोर्ड भी लगा हुआ है, टिकट घर आपका बाएं साइड में। ये देख रहे हैं सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन, हालांकि काफी बड़ा स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं हूं आपका सैदपुर भीतरी फुट ओवर ब्रिज पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको इसी स्टेशन पे आपको बहुत सारे ढेर सारे आपको बंदर भी नज़र आ जाएंगे। और इस स्टेशन से देखा जाए तो औड़िहार रेलवे स्टेशन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस स्टेशन के प्लेटफार्म की बात की जाए तो इसके 3 प्लेटफार्म बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए, अगर उस साइड से देखा जाए तो आपका वो हो गया प्लेटफार्म नंबर 1 और इस साइड आपका हो गया प्लेटफार्म नंबर 2। और इसी साइड आपका बात किया जाए तो ये है प्लेटफार्म नंबर 3। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका प्लेटफार्म नंबर 3 है।
ये देखिए अभी मैं आ चुका हूँ आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इस साइड आपका है प्लेटफॉर्म नंबर 3। ये देखिए इस साइड आपका बोर्ड भी लगा हुआ है, सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर पानी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों यह था आपका सैदपुर में स्थित आपका सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।